जी, जो चुनाव इस वक्त चल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी कंपटीशन किसको मानते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस कहती है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस को फायदा देने आई है, किसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी? हम जनता की बी टीम है। जनता कहती है स्कूल बनाओ, हम स्कूल बना देते हैं। जनता कहती है भाई हमारे लिए बिजली सस्ती करो, हम बिजली सस्ती कर देते हैं। जनता कहती है आज केजरीवाल जी ने 4 गारंटी दी है उत्तराखंड के लिए। केजरीवाल जी की जो टीम है वो जनता की भी टीम है, वो ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। कांग्रेस अपनी, अभी हरीश रावत जी को भी मैं सुन रहा था, कांग्रेस आपस में पहले तय कर ले कि भाई वो चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, पंजाब में कैसे लड़ रही है, उत्तराखंड में कैसे लड़ रही है। कांग्रेस अपनी इन फाइटिंग से लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है इस बात को कि जनता बहुत नाराज है उससे। एक तरफ जहां जी आजिज होके उसको इसका आगाह होके उन्होंने अपने 3-3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। जी मैं वही सवाल पे आ रहा था कि एक तरफ जहां बीजेपी ये तय नहीं कर पाती कि पूरी टर्म उनका कौन मुख्यमंत्री निकालेगा, शायद उनके हर विधायक को लगता होगा उनका नंबर कभी भी आ सकता है, कांग्रेस पार्टी में तय नहीं हो पा रहा चेहरा कौन बनेगा, लेकिन जनता उत्तराखंड में उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं दिया। सुनने में ये भी आया कि हरीश रावत के लिए भी एक आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले थे। कर्नल कोडियाल कॉम्प्रोमाइज है क्या? आप ये देखिए कि कर्नल कोटियाल साहब से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा और ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा विश्वसनीय चेहरा जिसपे गर्व किया जा सके आज कांग्रेस और बीजेपी के पास है तो बताइए। कर्नल कोटियाल साहब जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड में खून पसीना एक बहा के किया, उन्होंने कुछ ना होते हुए युवाओं के लिए इतना किया, युवाओं को इतने रोजगारों की व्यवस्था की, उनसे ज्यादा उत्तराखंड की जनता के लिए कौन सोचता होगा? और उत्तराखंड की जनता उनसे ज्यादा किसको प्यार करती होगी आप सोच के देखिए। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा नेता है जो कर्नल कोटियाल के साथ सामने लोकप्रियता के मामले में, जनता के लिए काम करने के मामले में खड़ा हो सकता है? और बीजेपी के पास कौन सा है आप बता दीजिए।